नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आज के मुख्य समाचार। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि होम विजिट पर जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ के लिए उनकी जिम्मेदारी से संबंधित आवश्यक सूचनाएं एवं दायित्वों पर आधारित पंपलेट प्रिंट कराकर उन्हें उपलब्ध कराए और उन्हें अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेही निर्धारण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि डीपीओ सभी सीडीओपीओ और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करें और जिस स्तर पर कार्य की स्थिरता पाई जाए संबंधित को सचेत करने की कार्रवाई करें। यदि उसके बाद भी कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं पाया जाता तो उसका जवाब तलब करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं द्वारा फील्डिंग कार्य में स्थिरता और कार्य के प्रति लापरवाही प्रकाश में आती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कुपोषित बच्चों को चिन्हितकरण कर उन्हें एनआरसी में भेजें। उन्होंने कहा कि बच्चों व महिलाओं को एनेमिया को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है जिससे स्थितियों को में सुधार हो। उन्होंने निर्देश दिए कि आयरन सिरप व आयरन की गोली बच्चों और किशोरियों को पूरी गंभीरता सजगता के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुए कार्य की मॉनिटरिंग भी करें। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठक में अनुपस्थित है उनका जवाब तलब करें और जिला समन्वय द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग न करने तथा समीक्षा से संबंधित बिंदुओं पर पीपीटी तैयार न करने पर चेतावनी व नोटिस जारी करें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय कार्यों को मानक के अनुरूप संपादित करने के लिए सीडीपीओ सहायक सीडीपीओ सुपरवाइजर जिला समन्वय एवं ब्लॉक समन्वय के लिए परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराकर सभी को परीक्षण उपलब्ध कराए और उनके दायित्वों का निर्धारण करते हुए उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देश दिए हैं कि पोषण ट्रैकर तथा ई कवच पर 100% डाटा फीड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित को समय समय पर डाटा फीड करने व उनको अपडेट करने के लिए निर्देशित किया है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर यह मुख्य समाचार।